पड़ोसी राज्य पंजाब में हिमाचल के क्रशर को रोकने के लिए गुंडा टैक्स वसूल किया जा रहा है, जिससे न केवल हिमाचल के क्रशरों को नुकसान हो रहा है बल्कि इससे प्रदेश सरकार को जाने वाले राजस्व में भी हर दिन लाखों का नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल की सप्लाई को पंजाब जाने से रोकने के विरोध में क्रशर कारोबारी उद्योग मंत्री समेत उपायुक्त कांगड़ा से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी क्रशर सप्लाई पर गुंडों की गुंडागर्दी बस्तूर जारी है। पड़ोसी राज्य पंजाब में हिमाचल के क्रशर को रोकने के लिए गुंडा टैक्स वसूली का खेल चल रहा है, जिससे न केवल हिमाचल के क्रशरों को नुकसान हो रहा है बल्कि इससे प्रदेश सरकार को जाने वाले राजस्व में भी हर दिन लाखों का नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल की सप्लाई को पंजाब जाने से रोकने के विरोध में क्रशर कारोबारी उद्योग मंत्री समेत उपायुक्त कांगड़ा से भी मुलाकात कर चुके हैं, बावजूद इसके उनकी क्रशर सप्लाई पर गुंडों की गुंडागर्दी बदस्तूर जारी है। क्रशर मालिकों ने चारों ओर से कोई ठोस परिणाम न आते देख अब मीडिया के समक्ष अपना दुखड़ा जाहिर किया है। पंजाब से सटे हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थित क्रशर उद्योग ने पंजाब के खनन माफिया द्वारा गुंडा टैक्स की शिकायत दर्ज कराई है। बयालीस उद्योगपतियों के एक समूह ने बकायदा संबंधित विभागों, पुलिस विभाग और जिलाधीश को बकायदा इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। साथ ही उनकी इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग भी की है। क्रशर मालिकों ने कहा कि सरकार को भारी भरकम टैक्स देने के बावजूद भी आज उनका इंटरस्टेट व्यापार बंद हो गया है। क्रशर इकाइयों को चलाने वाले लोगों ने उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर से भी मुलाकात की और इस सप्ताह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ इंदौरा क्षेत्र में एक बैठक भी तय की है। क्रशर मालिकों ने कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद पंजाब माफिया प्रति ट्रक 5000 रुपए मांग रहा है। वर्तमान में व्यापार बंद है। प्रदेश के क्रशर वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं है, जबकि हिमाचल की आपूर्ति लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर और पठानकोट क्षेत्रों में जाती है। इसके साथ ही सोलन, ऊना, सिरमौर और कांगड़ा में क्रशर मालिकों द्वारा औसतन 30,000 से 50,000 रुपए समेत हर रोज का 20,00,000 रुपए का नुकसान सरकार को भी हो रहा है। राहुल पठानिया, रणबीर निक्का सहित अन्य क्रशर मालिकों ने कहा कि अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन पंजाब में माफियाओं ने जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर और खनन पट्टे दस्तावेजों के होने के बावजूद सड़कों पर उचित अवरोध स्थापित किए हैं और वाहनों को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 20 क्रशर हैं, जिन्होंने लगभग 4000 व्यक्तियों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल को रॉयल्टी का भुगतान कर रहे हैं, संबंधित पंचायतों में भी योगदान दे रहे हैं, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में और अन्य सभी करों का भुगतान कर रहे हैं। सरकार को लिखी गई शिकायत में क्रशरों के मालिकों ने कहा कि पंजाब के साथ व्यापार बंद होने के कारण राज्य को भी प्रतिदिन 10 से 15,000 का नुकसान हो रहा है। उधर उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि क्रशर मालिकों ने उनसे मुलाकात की है और पंजाब में सप्लाई रोकने की बात कही है, जिसका प्रशासन इस संबंध में कोई समाधान निकालने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि हम राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्रशर एसोसिएशन जहां धर्मशाला माननीय हमारे डीसी साहब से मिलने यहां पर आई है, पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है, जो भी हमारे बॉर्डर पर हमारे लगभग 42 क्रशर हैं, इनका लगभग मटेरियल जो बॉर्डर एरिया के क्रशर हैं, इनका 50% मटेरियल जो हमारा पंजाब की तरफ जाता है, जो अमृतसर, होशियारपुर, लुधियाना, जलंधर की ओर जाता है। आए दिन 4-5 दिनों से पंजाब में गुंडा टैक्स हमसे वसूला जा रहा है, हमारी गाड़ियों को बेवजह वहां पर रोका जा रहा है। हमारी एक गाड़ी से लगभग 4-5 हज़ार रुपये की वो गुंडा टैक्स की मांग कर रहे हैं, जिससे हमारा बिजनेस सारा स्थगित हो गया है। आज हम इस मुद्दे को लेकर यहां आपके पास पहुंचे हैं। हम अब इस मुद्दे को, जो हमें परेशानी आ रही है, हम सरकार के माध्यम से इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ये जो गुंडा टैक्स है, हमारा जो मटेरियल, जितने भी हमारे स्टोन क्रशर हैं, सरकार द्वारा मान्यता इनको प्राप्त है। सरकार को पर 60 रुपए टन की ये रॉयल्टी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 10 रुपए टन, CGCR टैक्स 10 रुपए टन, इसके अलावा पंचायत टैक्स, इनकम टैक्स, हम हर स्टोन क्रशर सरकार को दे रहे हैं। अगर हमारा मटेरियल पंजाब में जाना बंद हुआ तो सरकार को लगभग, जो हमारे चार जिले प्रभावित हो रहे हैं,
नूरपुर से लगभग रोज का 4-5 लाख का नुकसान, ऊना से 5-7 लाख रुपए का नुकसान, सिरमौर और सोलन से 4-5 लाख रुपए का नुकसान हमारी सरकार को राजस्व में हो रहा है। तो लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हमारी सरकार को भी हो रहा है। इसके साथ साथ जो भी हमारे स्टोन क्रशर हैं उनमें अनेक लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनका सारा काम रुक गया है। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट से बात करके हमारा जल्दी से जल्दी को मसला हल किया जाए, ताकि जो भी हमारी गाड़ी जाती है पर गाड़ी के पास जीएसटी का बिल होता है, वो एक राज्य से लेकर किसी भी राज्य में पूरे हिंदुस्तान में जाए कोई भी उससे अलग से टैक्स नहीं ले सकता। तो पंजाब गुंडा टैक्स माइनिंग वाले साथ होकर हमसे जबरन वसूली कर रहे हैं, तो हमारी मदद की जाए, सरकार से हम गुहार लगाते हैं। कार्यक्रम में एक बार प्रवक्ता चलाए छोटे से ब्रेक का, के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।